कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 में, जब रात को एक छोटी बच्ची अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका भाई काफी ज्यादा बीमार था। अचानक से लड़की ने देखा कि घर के स्विमिंग पूल में उसके भाई का खिलौना तैर रहा था। वो बच्ची नीचे खिलौना लेने गई, पर अचानक किसी अनजान शक्ति ने उसे पानी में खींच लिया। बेचारी लड़की पानी से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसने देखा कि एक औरत पूल के बाहर से उसे अपना हाथ दे रही थी। बच्ची जैसे तैसे वापस ऊपर आई, लेकिन तब तक वो औरत गायब हो गई। बच्ची ने फिर से उस खिलौने को छुआ, पर फिर अचानक से किसी ने दोबारा उसे पानी में खींच लिया। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाई, पर किसी को सुनाई नहीं दिया। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया और वो बच्ची फिर किसी को दिखाई नहीं दी। इसके बाद हम देखते हैं कि साल 2023 में वॉलर परिवार अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा था। रे वॉलर पहले बेसबॉल खेलता था, पर अचानक बीमार होने की वजह से उसे खेल से रिटायरमेंट लेनी पड़ी। खैर, उन्होंने एक घर देखा जो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया, इसीलिए वो वापस जाने लगे। पर अचानक रास्ते में रे ने अपनी पत्नी ईव को गाड़ी रोकने को कहा। वहाँ एक खाली घर था, जिसके अंदर जाकर उन्होंने देखा कि पीछे एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल भी था। रे हमेशा से अपने घर के अंदर एक पूल चाहता था। अचानक उसे पानी में एक बेसबॉल दिखाई दी, तो रे उसे उठाने के लिए झुका, पर तभी वो पानी में गिर गया। पानी के अंदर उसे वही समय दिखाई दिया जब वो बेसबॉल खेला करता था। तभी अचानक उसका बेटा एलियट उसे देखकर चिल्लाने लगा, और जल्द ही ईव और उसकी बेटी इजी ने रे को पानी से बाहर निकाला। फिर ईव रे को लेकर हॉस्पिटल गई, जहां डॉक्टर ने उसे हर रोज योगा या स्विमिंग करने की सलाह दी, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। जब वो वापस लौट रहे थे, तो रे ने ईव से कहा कि वो वही स्विमिंग पूल वाला घर लेना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी तो स्विमिंग करने को कहा है और फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ईव भी काफी खुश हो गई, क्योंकि आखिरकार वो एक परमानेंट घर में जाने वाले थे। कुछ ही दिनों में वॉलर परिवार ने वही घर खरीद लिया और वहां रहने लगे। ईव ने एक नई नौकरी ले ली और इजी और एलियट अब स्कूल जाने लगे। फिर घर आकर पूरे परिवार ने मिलकर उस पूल को साफ किया। इजी ने अपने माँ बाप को बताया कि एक लड़के ने उसे स्कूल की स्विमिंग टीम में शामिल कर लिया है। ये सुनकर रे काफी खुश था। खैर, फिर रे ने नाली साफ करने के लिए हाथ डाला, पर अचानक उसके हाथ पर कट लग गया। उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला और बाकी सब दौड़कर उसके पास आ गए। तभी नाली से काला पानी निकलने लगा, इसीलिए उन्होंने मेंटेनेंस वालों को इसकी जांच करने के लिए बुलाया। उन्होंने रे को बताया कि असल में यहाँ एक कुदरती पूल था जो जमीन के नीचे से पानी लेता था। हो सकता है कि वहाँ गंदगी इकट्ठा हो गई हो, इसीलिए मेंटेनेंस वालों ने उसे साफ कर दिया। फिर रात को रे घर का सामान निकाल रहा था और ईव एक फॉर्म भर रही थी। इसके बाद ईव पूल में नहाने गई, तो उसने देखा कि उनकी बिल्ली अजीब सा बर्ताव कर रही थी। पर ईव ने सोचा कि शायद वो नई जगह होने की वजह से ऐसा कर रही है। ईव स्विमिंग कर ही रही थी कि अचानक उसे पूल के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद ये रे है, पर जब वो बाहर आई तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। ये देखकर वो थोड़ा डर गई, और तभी पूल की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। ईव तुरंत पानी से बाहर निकलकर घर में गई, जहां उसके बच्चे और पति सो रहे थे। अचानक रे की आंख खुली, तो ईव ने उससे पूछा कि जब मैं पूल में थी तो क्या तुम बाहर आए थे, जिस पर रे ने साफ इनकार कर दिया। उधर उनकी बिल्ली पूल के पास घूम रही थी कि अचानक उसे शुरुआत वाला खिलौना दिखाई दिया। एक बार फिर से पूल की लाइट्स जलने बुझने लगी, और अगले दिन बिल्ली किसी को नहीं मिली। वॉलर परिवार ने देखा कि बिल्ली का पट्टा पूल में तैर रहा था। उन्हें लगा कि बिल्ली पानी में गिरकर डर गई होगी, इसीलिए वो कहीं छुप गई है। फिर सब उसे ढूंढने लगे, और रे ने अपने चोट वाले हाथ से पट्टा बाहर निकाला। बाद में जब उसने अपनी पट्टी निकाली, तो उसने देखा कि उसका जख्म एकदम भर चुका था। फिर रात को ईव को डरावना सपना आया कि वो पूल में तैर रही है और फिर पूल को ढका जा रहा है। अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि रे पूल में तैर रहा था। फिर अगले दिन वो हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने बताया कि रे बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। तब रे और ईव को लगा कि शायद ये स्विम थेरेपी का कमाल है। उस दिन के बाद रे काफी खुश रहने लगा, और वो हर रोज स्विमिंग भी करता। एक दिन एलियट ने अपने पिता को अपने साथ स्विमिंग के लिए बुलाया। उस वक्त रे काम कर रहा था, तो उसने एक सिक्के पर हंसता चेहरा बनाया और एलियट से कहा कि वो काम खत्म करके पूल में ये सिक्का फेंकेगा, जिससे एलियट को पता चल जाएगा कि रे आ चुका है। ये सुनकर एलियट स्विमिंग पूल में अपने पिता का इंतजार करने लगा। अचानक उसने देखा कि पूल में वो सिक्का गिरा, तो एलियट तुरंत ही ऊपर आ गया, पर उसने देखा कि उसके पिता तो वहाँ थे ही नहीं। फिर एलियट ने अपने गॉगल्स लगाए और पानी में सिक्के की तलाश करने लगा, पर जल्द ही बहुत सारे सिक्के पानी में गिरने लगे। तभी एक सिक्का नाली पर आ गिरा और एलियट को एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि ऊपर से एक लड़की उसे देख रही थी।
एलियट फिर से बाहर निकला ताकि वो लड़की से बात कर सके, लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह वहाँ कोई नहीं था। अब एलियट थोड़ा घबरा गया, पर उसने सोचा कि शायद उसकी बहन इजी उसे डराने की कोशिश कर रही है। एलियट फिर से स्विमिंग करने लगा और डाइविंग प्लेटफॉर्म के पास आ गया। उसे नीचे से महसूस हुआ कि प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है, पर जब एलियट ने बाहर निकल कर देखा तो वो फिर से अकेला था। कुछ समय बाद उसे एक छेद से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उस लड़की ने अपना नाम रेबेका बताया और वो एलियट को अपना खिलौना दे रही थी। जैसे ही एलियट ने वो खिलौना लिया तो किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचने लगा। एलियट डर के मारे चिल्लाने लगा और जैसे तैसे अपना हाथ छुड़वा कर घर के अंदर आ गया। उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, पर जब ईव ने बाहर जाकर देखा तो उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाद में ईव ने रे से बात की, पर रे को लग रहा था कि एलियट ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। कुछ दिन बाद सारा परिवार एलियट का बेसबॉल मैच देखने के लिए उसके स्कूल गया। बेसबॉल देखकर रे को पुराने दिन याद आ गए और उसने एक बॉल खेलने की कोशिश की, पर अपनी बीमारी के कारण वो घूमकर नीचे गिर गया। इसके बाद उसने दोबारा कोशिश की और इतना जबरदस्त शॉट लगाया कि सब दंग रह गए। रे को इस तरह खेलता देख ईव और इजी भी हैरान थे। खैर, रात को ईव और रे बच्चों को घर में कुछ देर अकेला छोड़कर चले गए। तब इजी ने अपने स्विमिंग पार्टनर रोनन को घर बुलाया। रोनन ने इजी को आंखें बंद करके उसे पूल में ढूंढकर दिखाने की चुनौती दी। इजी मान गई, पर अचानक किसी ने उसका पैर खींच लिया। उसने आंखें खोली तो पता चला कि वो पूल में काफी दूर आ चुकी थी। वो डर के मारे तुरंत पूल से बाहर आ गई, पर जब रोनन ने उसे बताया कि उसने इजी का पैर नहीं खींचा तो इस बात से इजी काफी घबरा गई। रोनन ने उसे शांत करते हुए कहा कि शायद तुम्हारा पैर मुड़ गया होगा। फिर बाद में एलियट ने इजी से पूछा कि क्या उसने पूल में कुछ देखा, पर इजी नहीं चाहती थी कि एलियट के मन में डर बैठ जाए, इसीलिए उसने एलियट को कुछ नहीं बताया। पर एलियट ने बताया कि हो सकता है पूल उनकी मदद करने के साथ साथ उन्हें डरा भी रहा हो। इसके बाद उन्होंने घर में एक पूल पार्टी रखी और एलियट ने कैमरा लगाकर वहां हो रही हर चीज को रिकॉर्ड किया। वहीं ईव को भी शक था कि रे इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहा है, इसीलिए उसने घर की पिछली मालकिन से पूल के बारे में पूछा। उसने ईव को बताया कि कई साल पहले इस पूल में एक लड़की डूबकर मर गई थी और तब से यहाँ रहने वालों को काफी मुश्किलें आती हैं। ईव ने पूछा कि क्या उस लड़की का नाम रेबेका था। हाँ, उस औरत ने जवाब दिया। उसी वक्त रे बाहर बच्चों के साथ पूल में खेल रहा था कि अचानक नाली से काला पानी निकल कर सीधा उसके मुंह में घुस गया। इससे मानो रे के ऊपर काला जादू सा हो गया और वो बच्चों को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगा। खुशकिस्मती से एलियट ने उसे देख लिया और तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई। उस बच्चे के माँ बाप भी काफी गुस्से में थे, पर फिर भी उन्होंने बात जाने दी। इस घटना के बाद रे की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और उसके मुंह से काला पानी बहने लगा। इसके बाद ईव ने थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि इस घर में अब तक कई लोग लापता हो चुके हैं। आखिरकार वो रेबेका की माँ काय तक पहुँच ही गई और उसने पूछा कि असल में रेबेका के साथ हुआ क्या था। काय ने उसे बताया कि इस कुदरती पूल में लोगों की बीमारियां ठीक करने की शक्ति है, पर इसके बदले में ये पूल किसी की कुर्बानी भी मांगता है। और तब ये खुलासा हुआ कि काय ने अपने बेटे की लाइलाज बीमारी ठीक करने के लिए पूल में अपनी बेटी रेबेका की कुर्बानी दे दी थी। तभी अचानक काय जोर जोर से खांसने लगी और पास के फवारे में काला पानी बहने लगा। वहीं दूसरी ओर रे घर में नहा रहा था कि अचानक उसके शरीर में काली नाड़ियां बाहर आने लगी। वहीं एलियट को बिल्ली की आवाज सुनाई दी और वो पूल के पास पहुंचा। अचानक वो पूल में गिर गया और उसका कवर अपने आप बंद होने लगा। तभी इजी ने कवर रोकने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही ईव वापस आ गई और वो एलियट को ढूंढने पूल में घुसी। उसे अपने सामने बहुत गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसने खुद को रस्सी से बांधा और अंधेरे से एलियट को खींचने लगी। पर आज तक जितने भी लोगों की कुर्बानी दी गई थी वो दूसरी ओर से एलियट को खींच रहे थे। ईव ने जैसे तैसे एलियट को छुड़ाया और वो ऊपर आने लगी, पर उसे कहीं भी रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी रेबेका वहां आ गई और उसने ईव को इशारों से समझाया कि वो ऊपर की बजाय नीचे की ओर तैर रही है। आखिरकार ईव एलियट को बचाकर बाहर ले ही आई। वहीं इजी मदद ढूंढने गई थी, पर वो फिसल गई और उसके हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि रे पूरी तरह से काली शक्तियों के वश में था। रे इजी को पकड़कर उसकी कुर्बानी देना चाहता था, पर इजी भाग निकली। फिर रे ने ईव पर हमला कर दिया, पर अचानक पीछे से इजी ने उसे बैट से मारा। तभी ईव ने उसे जैसे तैसे शांत किया। अब वो चारों इस घर से भागने वाले थे कि रे ने देखा कि पूल काले पानी से भर रहा था। वो समझ गया कि किसी न किसी की कुर्बानी देनी होगी, वरना पूल के भूत उन्हें हमेशा सताते रहेंगे।
आखिरकार रे ने खुद पानी में समाकर अपनी कुर्बानी दी और इस हादसे के बाद भी ईव और बच्चे इसी घर में रह गए ताकि कोई और इस पूल का शिकार न बन सके। साथ ही उन्होंने इस पूल को पूरी तरह रेत से भरवा दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।